Good morning, all of you. This is chapter 4, poverty, video 1. Now, how you've studied poverty in junior classes also, poverty is defined as the inability to fulfill the basic needs of the people. Now, the basic needs of the people are food, clothing, shelter, that is housing, education, and health. If we are not able to provide all these, we say that this is a person is poor. The concept of poverty is studied under two headings, that is absolute and relative. Absolute का मतलब है कि totality में ये इतने लोग हैं, 100 इतने जो है population हमारी poor है. और relative का मतलब है कि हम कोई criteria लेते हैं और उस criteria के हिसाब से हम decide करते हैं, comparison करते हैं कि ये इससे ज़्यादा poor है, ये country इससे ज़्यादा poor है, ये individual, ये family इससे ज़्यादा poor है, ये state इससे ज़्यादा poor है. This is relative poverty. अब absolute poverty जो है is defined as a condition where the household income is below the necessary level of sustenance. जो आपके survival की जो limit है उससे नीचे है वो आपके absolute poverty होती है. ये काफ़ी time तक constant रहती है और ये backward economies में होती है. relative poverty जो है इसमें हम क्या करते हैं, हम compare करते हैं person, state या country को जो औरों के comparison में उसकी जो है वो पावर्टी के लेवल पे आता है. रिलेटिव पावर्टी शोज द इकोनॉमिक स्टेटस इन कंपैरिजन टू अदर्स. दिस चेंजेस विद द चेंज इन इनकम, कंजम्पशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. नाउ हाउ डू वी से दिस पर्सन इज पुअर. ये पता करने के लिए हम पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं. एक पार्ट होता है पुअर और दूसरा होता है नॉन पुअर. अब पुअर और नॉन पुअर में जो डिवीजन होता है उस वो डिवीजन होता है एक टर्म से जिसको हम कहते हैं पावर्टी लाइन. यानी पावर्टी लाइन से जो नीचे हैं वो पुअर हैं और जो पावर्टी लाइन से ऊपर है वो नॉन पुअर आते हैं. पावर्टी लाइन क्या होती है? पावर्टी लाइन एक होती है इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द पॉपुलेशन इनटू पुअर एंड नॉन पुअर. अब ये पता कैसे चलता है पावर्टी लाइन क्या है? अलग अलग टाइम पे हम अलग अलग हमने पैरामीटर्स लिए हैं. पहले हम लेते थे कैलोरी कंजम्पशन मेथड, जिसको हम कंजम्पशन मेथड कहते हैं. उसमें क्या था कि रूरल एरियाज में या जो इंसान फिजिकल वर्क करता है उसकी डेली रिक्वायरमेंट 2400 कैलोरीज होती है. अगर वो 2400 कैलोरीज का कंजम्पशन कर रहा है तो वो नॉन पुअर में है, और अगर उससे कम उसका कंजम्पशन है ही इज कंसिडर्ड एज पुअर. अर्बन एरियाज में this is 2100 calories for a person. Now, in 2010-11, their definition of poverty line was changed according to the consumption, and it said that if a person spends rupees 816 rupee per person a month in rural area and rupees 1000 per person a month in urban areas, then we say that this is the criteria for poverty. This is what is called as the monthly per capita expenditure, that is MPCE, to identify the poor and the non-poor. अब इसको देखो, जो हमारे पास poor तो हो गए जो below the poverty line है, और जो non-poor हैं उसको भी हम divide कर सकते हैं जो है तीन classes में. जो हमेशा पुअर रहते हैं, दैट इज बिलो द पावर्टी लाइन, दीज आर कॉल्ड एज क्रॉनिक पुअर. अब डिपेंड करता है, अगर आपकी पावर्टी लाइन चेंज होती रहती है तो उसमें क्या हो जाता है, कुछ होते हैं ट्रांजिएंट पुअर, उनके पास इनकम हो गई, एम्प्लॉयमेंट उनको मिल गया तो वो अबव चले जाते हैं पावर्टी लाइन के, और अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ तो वो रहते हैं बिलो द पावर्टी लाइन. और तीसरे होते हैं जो हमेशा अबव द पावर्टी लाइन रहते हैं, जिनको हम कहते हैं नॉन पुअर. Then we also divide economics on the basis of rural poor and urban poor. Rural poor जो है उसमें आपके mainly landless agricultural labor, cultivators with small holdings that are engaged in non-agricultural jobs and tenant cultivators with small land holdings. अर्बन में ये होता है जो आपको ज़्यादातर लोग दिखते हैं जो सड़कों पे यहाँ पे रह रहे होते हैं, वो हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव employment. So this is what we say as the different kinds of
poor. Now, when we talk about the poverty, the first thing which we have to ask is, what are the people, those who are considered poor, as poor? These include the pushcart vendors, street cobblers, then rag pickers, vendors and beggars, poor people possessing very few assets and residing in kacche hut means, then in rural areas, some of them are landless, they do not have two meals a day, they lack basic literary and skill opportunities, they also face unstable employment, there is malnutrition, they are not able to negotiate their wages because they don't have any choice. Most poor households have no access to electricity. Primary cooking fuel is firewood, and poor women, they receive very less maternal care. So this is what we call as the number of who are the people, those who are poor.